भसड़ मची है। अरे दीदी आ रही है फिर से। बस हो गया मम्मी, इरिटेट हो गई हूँ मैं, मुझसे नहीं रहा जाता यार। मैं हमेशा एडजस्ट करते रहूं क्या? बताओ ये कोई बात होती है? अरे हम अपने कन्वीनियंस के लिए हमने हाउस हेल्प लगाई, कुक रखा, अब वो कुकिंग नॉर्मल करेगी ना, इंडियन कुकिंग आती है उसको, तो ये अर्जुन बीच में नया डाइटिंग शुरू कर रहे हैं कि नहीं अभी मुझे सैंडविच खाना है, मुझे सैलेड चाहिए, मुझे सूप चाहिए, उसको नहीं आता वो सब बनाने। अरे कौन सी कुक ये सब जानती है बनाना, अब उसको बोलते अलग से ट्रेनिंग दो, अब मैं उसको सिखाऊं पहले या तो मैं बनाऊं, तो इवेंचुअली मैं ही करूंगी ना घर का काम, मैं कुकिंग करूं, मैं कपड़े का भी ध्यान दूं, मैं घर का ध्यान दूं, मैं हर एक चीज, दिमाग खराब हो गया है मेरा ऐसे। ये तो गलत बात है, तो इतनी सी बात पे तो झगड़ के यहाँ पे आ गई। शादी से परवरन नहीं, हम दोनों बैलेंस करेंगे, हम दोनों 50-50 काम डिवाइड कर लेंगे। कहाँ गया 3 साल में सब फुर? पर इंस्टाग्राम पे तो जीजू कुकिंग वीडियोस डालते रहते हैं स्टोरी पे अपनी। 2-3 दिन कुकिंग करने से शेफ नहीं बन गया वो, 3 दिन तो वही खाना बनाते ना एक हफ्ते में, तो तुम दोनों बैलेंस कर लो, कुछ दिन तू बना कुछ दिन वो बनाए, किसी पे लोड नहीं आएगा। बात करने से ही तो सॉल्व होगा ना मम्मी। हाँ बेटा इतनी छोटी सी बात है मम्मी, उसको 100 बार नहीं मैं 1000 पता नहीं कितने बार समझा चुकी हूँ, प्यार से समझा चुकी हूँ, झगड़ा करके नाराज होके गुस्से में हर एक तरीका ट्राई कर लिया है, बट नहीं उसके पल्ले नहीं पड़ता है। उसको लगता है जोक है, उसको हंसी आ रही है। अरे क्यों एक टॉयलेट सीट वो नीचे नहीं कर सकता वापस? वो टॉयलेट की साफ सफाई ये तो बेसिक हाइजीन है, इसमें क्या औरत आदमी, वो बाई तो साफ करके चली जाएगी, उसके बाद मेंटेन तो हमें करना पड़ता है ना, अब वो सिर्फ मैं अकेले मेंटेन करूं, मैं अकेले यूज करती हूँ क्या? दिमाग खराब करके रख दिया है वहां पे, मेरा दम घुटता है वहां पे, दिन भर काम काम करो, ऑफिस का काम फिर घर का काम, तो इतनी सी बात पे तो वापस आ गई है यहाँ पे झगड़ के। तू पागल है क्या? नहीं मतलब, अरे टॉयलेट सीट का इशू है तो तुम बात करके मैटर सॉल्व करो ना। नहीं नहीं पूजा जस्ट शट अप। अरे वो संडास और ये सुसु पॉटी ये सब झगड़े, दिस इज वेरी 12 years ओल्ड यार दी, कम ऑन यू आर अबव दिस। इतनी सी बात नहीं है मम्मी, ये टॉयलेट को लेके तो हमारे घर पे रोज झगड़े होते हैं, इतने मतलब सोते सोते भी बस हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई हॉल में सो रहा है, कोई बेडरूम में सो रहा है, एक एक घंटा लेके फोन वो टॉयलेट में पड़ा रहता है। ये तो गलत बात है, एक एक घंटा फोन पे, तब कुछ काम बोलो तो नहीं बस फोन पे है, टॉयलेट के लिए एक एक घंटा अंदर क्या करता है? और फिर बोलते हैं तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। क्यों नहीं डाउट करूं, ऐसा क्या है जो तुम फोन में जाके एक घंटा बिताते हो? हाँ हम भी टॉयलेट जाते हैं, हम तो फोन लेके नहीं जाते, और फोन लेके गए भी तो 10 मिनट में काम हो जाता है, उसके बाद तो बाहर आओ। नहीं तो भी फोन लेके टॉयलेट में बैठ गया यार, उसमें क्या है, बिग डील, आजकल सभी वही कर रहे हैं, मतलब टाइम ही काम मिलता है आराम से फोन पे रील्स वगैरह देखने का, हमको फॉलो करने। पूजा इफ यू थिंक यू आर बीइंग फनी यू आर नॉट, तू प्लीज इरिटेट मत कर मुझे, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूँ ठीक है, हर बात पे इतनी सी बात कर रही है, इतनी सी बात है, ये बातें रोज होती हैं और कितना इरिटेट करती हैं दिमाग को, कैसे एक सिंगल हैंडेडली कैसे संभालूं मैं ये सब? मम्मी चिंता मत करो, देखो इतना स्ट्रेस मत लो, पिंपल आ जाएगा तुमको। एक तो हर बात पे उसको अपनी चलानी है, पता नहीं क्या है ये मेल ईगो, ये लड़कों को क्यों ऐसा लगता है कि अरे आई अर्न इक्वली इफ नॉट मोर देन हिम, बोलेगा नहीं एसी का टेम्परेचर हमेशा 18 पे चलेगा, अरे मुझे ठंड लगती है यार, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे जुकाम हो जाता है, तो बोलेगा क्यों तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम फेमिनिस्ट, तुम्हारे ऑफिस का कल्चर, ये कहां से बीच में आ जाती है ये बातें, मन करता है एसी निकाल के फेंक दूं। ये एसी की इतनी सी बात पे तो झगड़ के आ गई है यहां पे वापस। तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, अरे क्या हर बार पे इतनी सी बात पे उठ रही है बार बार, इतनी सी बात है रोज, ये इतनी बातें ना इतनी बड़ी हो जाती है। ऐसे एज अ थर्ड पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कितनी चिंदी बातें हैं, ये तो इसमें तो हम दोनों भी झगड़ा करते थे यार बचपन में, लाइक कम ऑन। मेरे आने से तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है? अरे मैंने कहा बोला मुझे प्रॉब्लम है, तू उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, थी पड़ी रह चुपचाप। आई थिंक दिस इज योर एटीट्यूड नो, आई थिंक समवेयर दिस इज द प्रॉब्लम, इफ वी फिक्स दिस मे बी थिंग्स विल गेट फिक्स्ड ऑन इट्स ओन। क्यों लड़ रही हो भाई दोनों? अभी अभी आई है ना वो, ऐसे बात करते हैं दीदी से, तो क्यों उसकी बात का बुरा मान जाती है? मैं बता रही हूँ मम्मी, ये ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है फिर। ऐसा स्वेटर तो हम भी बना लेते हैं, हमारा भी यूट्यूब बना देता कोई तो हम भी बना बना के डालते हैं उसी पे, से हाथ में मूंगी आ जाती है। पर मम्मी 4th दिन हो गया आज, कल 5th दिन हो जाएगा। क्या कर रही हो आप, कुछ बोलती क्यों नहीं हो उसको, 4 दिन से पड़ी है यार यहाँ पे। तो तेरे बात कर उठ जाएगी, अच्छा है ना उठे, टाइम है ये कोई।
मुझे कैसे उठा देती हो 8-9 बजे? हाँ, उसको नहीं उठाती हो, बड़ी आई है मायके में आराम करने, तो हम काम करेंगे यार। अरे ऐसे ही होता है, तुमको नहीं समझेगा, मैं माँ हूँ ना, तो प्राइवेसी नाम की चीज है मेरी, बार बार बच्चों के पड़ी रहती है वो बच्चों की तरह। सबकी बहने शादी करके जाती है, एक साल में एक बार आती हूँ, हर 3 महीने में इधर आके दुबक जाती है। दिल्ली टू मुंबई इतना नजदीक है क्या? मामा की एयरलाइन है कि जब तुम दुबक करके इधर आ जाती है तो माँ टूट जाएगी वो फिर। अरे यार क्या आवाज कर रहे हो आप लोग सुबह सुबह। उठ गई, अच्छा हुआ ना उठ गई, आपको क्या लगा वो सीधा 1 बजे उठ के लंच खाएगी? तो मम्मी भूख लगी है यार, ब्रेकफास्ट में क्या है? गुड मॉर्निंग सनशाइन, मम्मी पूछ रही है ब्रेकफास्ट में क्या खाएगी मेरी लाडली। आलू पराठा खाने का बहुत मन कर रहा है मम्मी। आलू पराठा खाएंगे दीदी। आलू पराठा? ये नहीं, ब्रेड बटर खा के चाय पी लूं चुपचाप, अभी आलू पराठा खाएंगी। लंच में बोलेंगी बिरयानी खाना है, फिर डिनर में पता नहीं क्या कोफ्ता कोरमा पता नहीं क्या बनवाएंगी। ते आफत है, पूरी जवानी निकल गई यही किचन में खाना बनाते बनाते, अब बुढ़ापे में मैं यही सब करते रहूं है? तो आप इतना लोड क्यों ले रहे हो, बाहर से मंगवा लेंगे लंच। नहीं यार बाहर से नहीं खाएंगे, आपके हाथ का ही खाना है, घर पे बना लेते हैं ना। हाँ बेटा जो कहो वो बनेगा, ऐसा मम्मी बोल रही है। क्या ही खाना है, अच्छा हो यही डिजर्व करते हो आप, कल 5-6 दिन हो जाएगा, स्टैंड अप करेंगे, कॉमेडी करेंगे, ये कंटेंट क्रिएटर बनना है। अरे आप समझाओ ना उसको, ऐसे थोड़ी चलता है, ये सही नहीं है मम्मी, ये हर बात को इतना लाइटली लेती है, बचपन से पैम्पर करके कुछ थोड़ा सा इनकन्वीनियंस। हाँ, मैं छोड़ के मेरे से नहीं हो रहा, मैं जाती हूँ। तो मेरी जान मत जला, आलू छील फटाफट, आपको बात करनी पड़ेगी उससे। ऐसा नहीं होता है बेटा, वो शादी करके लड़की जाती है, माँ के भरोसे ही तो आती है, मैं नहीं बोल सकती। पर तुम तो बोल सकती हो ना, तुम छोटी बहन हो, तुम तो बोल ही सकती हो, तुमको बोलना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाजुक कंधों पे दे देते हो आप लोग। हाँ, किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। बना ही रही हो तो 2 पराठा मेरे लिए भी, दही के साथ। तो मम्मी अर्जुन के घर वाले रिलेटिव सब लोग सिर्फ दिल्ली से शादी करेंगे, तो बोर हो गई यार, पक गई एक ही जगह पे शादी कर करके, थोड़ा बाहर निकलो ना, डेस्टिनेशन वेडिंग करो। हाँ भाई दिल्ली में तो तुम्हारा भी वही करवाए, सब लोग कुछ अलग अलग ट्राई कर रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ मम्मी पूजा की शादी ना डेस्टिनेशन वेडिंग में कराएंगे। हाँ गोवा में करवाएंगे। प्लीज मुझे दूर रख अपने इस वेडिंग कॉन्वर्सेशन से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखा ऐसा ही रिएक्शन देगी हर बार। मुझे मेरा रिसेप्शन वाला लहंगा पहनना यार, मैंने किसी स्पेशल की शादी में पहनूंगी ऐसे बोल के अभी तक रखा है। अरे तो तू पहन ना तेरा लहंगा, तुझे जहाँ पहनना है, इतनी सारी शादियां हो रही है तुम्हारे ससुराल में, गो अहेड वेयर इट, ठीक है इसको लहंगा पहनना, इसके लिए अब मैं चल के शादी कर लूं। प्लीज कोई जरूरत नहीं है मुझे कि तेरा लहंगा वसूलो, इसके लिए मैं अपनी जिंदगी झंड करके फॉरएवर बैठ जाऊं। पूजा मतलब सामने ही दिख रहा है अभी शादी करने के बाद क्या लाइफ हो जाती है। नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, आई एम वेरी मच हैप्पी लाइक दिस। बचपन से ही बहुत ज्यादा बोलती हूं। व्हाट डू यू मीन ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, क्या मतलब बोलना क्या तुझे? व्हाट आई मीन इज अगर यही शादी है कि हर छोटी बात पे मेयर इनकन्वीनियंस पे अगर वापस इधर ही आना है घूम फिर के, तो फिर बेटर यही है ना मम्मी कि मैं यही रहूं, फिर ऐसे 3 महीने में मैं निकल जाऊंगी किधर, एंड इंस्टेड ऑफ ससुराल या ओनली मायका कुछ हम अलग अलग जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ना, तो थोड़ा हमारा बकेट लिस्ट भी टिक होता रहेगा उसी। टॉन्ट मार लिया, जो बोलना है सीधे बोल पूजा, ऐसे घुमा फिरा के बात मत कर मुझसे। इतना डायरेक्टली बोलूं, लेकिन मैं तो एकदम क्लियर कट बोल रही हूँ कि अगर ये शादी है तो मुझे नहीं करनी है, आपने की हम देख रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है भाई, तुझे पता भी नहीं है कुछ। जब वो मनाली गई है घूमने, जीन्स पहन है, बताओ मना ले, सब मॉडर्न हो रहे हैं भाई। आप क्या फोन में लोगी उसको? मत लड़ो भाई दोनों इतना, मेरे यहाँ आने से तुझे प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली ऐसा बोल दे आई विल नॉट कम, ठीक है आई विल स्टॉप कमिंग हियर, बट ये फालतू की बात है ऐसे करके ना हर्ट मत किया कर। ये क्या टॉन्ट मार रही है मुझे, ताने मारे इनडायरेक्टली, मैं अपने घर पे नहीं आ सकती मम्मी? यार दी मैं ये नहीं बोल रही तू इधर मत आई, ऐसा कुछ है प्लीज, तू गलत डायरेक्शन में जा रही है। व्हाट डू यू मीन बाय रॉन्ग डायरेक्शन, क्या समझूं मैं तेरी इस बात से? फिर मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि तू जब यहाँ पे आती है ना तो क्लियर इंटेंशन ये होना चाहिए कि हाँ मैं अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई नीड अ ब्रेक। तुम रीजन क्या देती हो यहाँ पे आने का कि मेरा मेरे पति के साथ इस बात पर झगड़ा हो गया, इस बात पर झगड़ा हो गया, ये मुझे नहीं जम रहा, ससुराल वाले ऐसे कर रहे हैं, तू वो रीजन देकर यहाँ पे आती है।
तो मैं क्या सोचूं फिर उसके ऊपर? एनीथिंग गो साउथ एंड यू आर हियर। मम्मी आप उसको बोलोगे कुछ? कैसे बात कर रही है वो, बकवास। हाँ, ए पूजा, दीदी है वो तुमसे बड़ी है ना अंजलि, ऐसे बात करते हैं उससे? जो सॉरी बोलो। वो मुझे कुछ भी बोल रही है, हर बात में मुझे उल्टा ब्लेम कर रही है, वो मेरी बात का क्या सेंस निकाल रहा है? आप उसको कभी कुछ नहीं बोलते? मुझे क्या अंजलि, छोटी है ना पूजा तुमसे बेटा, ऐसे बात करते हैं छोटों से? मुझे क्या बोल रहे हो आप? जो तुम बड़ी हो ना, सॉरी बोलने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी, सॉरी बोलो उसको। ए यार ये इनका ना स्कैम है, इन्होंने बचपन से दो लाइन ड्रॉप रखी है, ये बड़ी है इसके लिए इनके साथ ऐसा मत करो, और ये छोटी है इसके लिए आप लोग यही सिखा उसको। बदतमीजी से बात करने लगी हो ना पूजा से, अच्छी आदत नहीं है ये, छोड़ दो। तो अरे ससुराल में जाना है कि ऐसे ऐसे बात करोगे तुम, सही थोड़ी लगता है। बबली मौसी का बर्थडे, इनको इनको हैप्पी बर्थडे डाल दो, वो स्टिकर लगा कैंडल वाला। मम्मी कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे, फेसबुक पे बर्थडे विश करना, इनको कोई जरूरत नहीं किसी को बर्थडे विश करने की। बर्थडे पे विश करना पड़ता है भाई, फिर हमें भी कोई विश नहीं करेगा तब हमें बुरा नहीं लगेगा तब? तुम लोग को दुनियादारी सिखाते सिखाते ना। देख दी मुझे तुझसे झगड़ना नहीं है। अच्छा तो तू अब रिलेशनशिप एडवाइस देगी मैरिड लोगों को सिंगल होके? मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है तुझसे लाइफ में, आई अग्री, बट मुझे इस पॉइंट पे ये बिल्कुल सही नहीं लगता दैट इतनी छोटी छोटी बातें। यार ये सब तो हम दोनों भी झगड़ते थे शादी से पहले, तब तो तुम छोड़ के कहीं नहीं जाती थी कि हाँ मेरी बहन से झगड़ा हो गया इसके लिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो वहां पे ऐसा क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है ना। एक शादीशुदा लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होती है ना वो शादी करने के बाद ही पता चलती है, ठीक है? नहीं मुझे बता, हर छोटी बात पर अगर तेरा इतना ही झगड़ा हो रहा है जीजू के साथ, वंस फॉर ऑल खत्म करना। तुम तुझे अक्कल है तो क्या बोल रही है? हर छोटी मोटी बात पे ऐसे रिलेशन टूट नहीं सकते, तो हर रिलेशनशिप में ये छोटे छोटे टाइम में इतना गैप लेके छोड़ के यहाँ पे आना, ये तुमको सही लगता है? नो वंडर ससुराल में भी तो कुछ बातें होती होंगी ना, आई एम श्योर कुछ तो बात होती होगी, तुम हमको बता नहीं रहे हो वो बात अलग है, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है। How does she speak, mom? And we are not against you, especially me. I'm not your enemy for God's sake, दी। हाँ तो please, please enlighten me, कैसे फिक्स करते हैं? और मैं देखो कोई ज्ञान भी नहीं दे रही हूँ, तुझे ये सब पता है, मैं सिर्फ तुझे याद दिला रही हूँ। सीरियसली मेरा ही नसीब खराब है, बाकी लड़कियां अपने मायके जाती है तो घर वाले कितने खुश होते हैं, मेनली भाई बहन खुश होते हैं, रोज टेक्स्ट करेंगे फोन करेंगे कि दीदी आप कब आ रहे हो, यहाँ पे आओ तो दिस इज व्हाट आई गेट इन रिटर्न। ये बोल रही है कि मैं झगड़ के हर तीन महीने यहाँ पे आ जाती हूँ, सीरियसली? नाइस, फाइनली मुझे भी रियलाइज हुआ। सीरियसली एक सिंपल कॉन्वर्सेशन इस घर में बिना आर्ग्यूमेंट के हो जाए ना, जिस दिन मैं नंगे पैर भागूंगी पूरी मुंबई में। इतना झगड़ती हैं बहनें दोनों। नीता अंबानी नया दुकान खोली है। हेलो अर्जुन, मैं अपनी कल की टिकट करा रही हूँ, तो एक्चुअली ना मेरे डेबिट कार्ड से नहीं हो रहा है ट्रांजैक्शन, और तुम अपने डेबिट कार्ड से कर, मुझे अभी तुरंत डिटेल्स शेयर करना। नहीं पहले अभी बुक करो टिकट सब काम छोड़ के, और डिटेल्स जल्दी शेयर करो। क्या हुआ आप इतनी खुश क्यों? मैं कहाँ खुश हूँ, पर मम्मी बोलो ना क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, भाव खाना है सबको। मम्मी मैंने अपनी कल की टिकट करा ली है दिल्ली की, सुबह 10:30 बजे तक निकल जाऊंगी। कल ही? तो बहुत जल्दी हो गया। कैसे कैसे इतने जल्दी? अभी तो मैं शीनू आंटी से बात कर रही थी कि हम शॉपिंग पे चलेंगे बाहर, कुछ तुम्हारे पसंद का खिला दो तुमको, पानी पूरी वड़ा पाव वगैरह, तुम चली जाओगी कल सुबह। हाँ, फिर वापस आ जाएगी दी। हाँ वापस आ जाएगी ना, अभी मुंबई से दिल्ली कितना ही दूर है, और जीजू भी तो अकेले अभी 5 दिन से। आप ना आप ऐसे मियां बीवी के बीच में आया मत करो, आपकी वजह से उन लोग का कितना वो होता है पता है आपको? नहीं ठीक है, डिनर तो मैं और ये पूजा बना लेंगे, जा रही हूँ बस। अरे तुम मुझसे क्या गुस्सा है यार, अच्छे से सब सामान रख लेना, कुछ छूटे नहीं, सब ले जाना ध्यान से। जा रही है दीदी तक। बाय मम्मी, ध्यान रखना, मेरा दुपट्टा लाओ दी को छोड़ के आते। अरे छोड़ने कहाँ जाना है, लिफ्ट तो यहीं पे है। नहीं रहने तो, लिफ्ट तो यहीं पे है, एक ही बैग है। और कैब नीचे विंग के अंदर ही खड़ी है दी।
आप क्या रो रहे हो, इतना सेंटी हो रहे हो? अभी थोड़े दिन में तो वापस जल्दी आना दी प्लीज, बहुत आपकी याद आती है हम दोनों को। फेक स्माइल देना बंद कर। ओके बाय बेटा, हैव सेफ फ्लाइट। बाय दी, लव यू, टेक केयर, कम सून। कैब का डिटेल शेयर कर देना। आप दरवाजा बंद करो पहले, एक सेकेंड, बैठो मत। हाँ बोलो। आप एक बात बताइए, हर 3 महीने में इतना ड्रामा, इतनी एक्टिंग कहाँ से, कैसे मैनेज, कैसे हो रहा है ये? माँ हूँ बेटा, एक माँ का दिल करना पड़ता है। इतना मतलब उसको समझ में नहीं आता वो गधी है क्या? अरे वो बेटी है ना, वो शादी करके अपने दूसरे घर चली गई है। तो मैं कौन हूँ, मेरे क्यों समझ में आ रहा है ये सब? तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो गई, अकेले तुमने तो सबसे स्मार्ट रखा है। तुम खुश हो ना अभी? हाँ अभी तो खुश हूँ, पूरा बेडरूम मेरा। आगे हर बात तो मुझे मिलन बनाती है मम्मी। है बनाती कहाँ हूँ बेटा, तुम हो नालायक। तुम्हें एक कोल्ड कॉफी बना के दे तो मुझे, खाना बाहर से मंगा लेना। जब से आई है काम करा करा के थका दिए नालायक। जोड़ों का दर्द।